नसबंदी फेल होने के मामला सामने आया है। नसबंदी कराने के बाद भी महिला ने बच्ची को जन्म दे दिया, जबकि उसके पहले से दो बच्चे हैं। महिला उषा कुशवाहा जो रजौआ की रहने वाली है, उसने फरवरी 2020 में जिला अस्पताल में आयोजित हुए नसबंदी शिविर में ऑपरेशन कराया था, लेकिन इसके बाद भी महिला प्रेग्नेंट हो गई और शनिवार को उसने एक बेटी को जन्म दिया। महिला के पति नीलेश कुशवाहा का कहना है कि ये सब डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ। उसने कहा कि वो इस बच्ची को अपने मामा को गोद देगा। जानकारी के मुताबिक रजौआ में रहने वाले उषा पति नीलेश कुशवाहा की करीब 6 साल पहले शादी हुई थी। दोनों की एक बेटी और एक बेटा पहले से है। दंपत्ति तीसरा बच्चा नहीं चाहते थे, इसके लिए उन्होंने फैमिली प्लानिंग की और फरवरी में जिला अस्पताल में लगे शिविर में महिला की नसबंदी कराई। लेकिन कुछ महीने के बाद महिला की प्रेगनेंसी का पता चला। इसके बाद पति ने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की थी। पति नीलेश की मांग है कि सरकार अब उसे मुआवजा दे। मामला डॉक्टर की लापरवाही है। किस चीज की लापरवाही मान रही हैं आप? इस चीज की लापरवाही मान रही है, हमने जितना वो दिन का बोला था उतना करा था, वो नहीं हुआ, ऑपरेशन फेल हो गया। कितने समय पहले आपने नसबंदी करवाई थी अपनी बाबू की? फागुन में। अब आप क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? शासन से सुविधा चाहते हैं हम, तो ये मामा को गोद देना चाहते हैं। इसको हम डॉक्टरों की लापरवाही मानेंगे और डॉक्टरों की लापरवाही है इसमें। अब क्या मांग कर रहे हैं? आपने मुआवजा की भी मांग की है। मुआवजा को हम तो बच्ची को गोद देंगे और क्या, नहीं तो प्रेस की हमारी यहाँ कार्रवाई बढ़ाएंगे, मामा जी को गोद करेंगे, नहीं तो हम तो बच्चे। तो इसमें आप क्या मानते हैं कि नसबंदी के बाद भी स्थिति बनी जी? ये स्थिति बनी है तो क्या मानते हैं आगे फिर क्या रहेगा इसका? अगर हमारी उसमें सुनाई होगी हम उसको कुछ देखेंगे, नहीं तो फिर हम मामा जी को गुद करेंगे बच्चे को। देखिए सबसे बड़ी एक तो रहती है जैसे फेलोपियन ट्यूब जो रहती है जिसमें वो लगाते हैं स्लिप, वो स्लिप हो जाती है कभी कभी, उस कारण से हो जाती है। या कभी कभी कुछ दिन पहले की यदि हो उसे कंसेप्शन तो उसमें भी डिलीवरी के चांसेस रहती है। वो वैसे भी 0.4 तक इसमें रहता है फेलियर रेट, तो ये नॉर्मल है सर। महिला के पति का कहना है कि सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, तो क्या इस मामले में कोई प्रावधान है क्या? नहीं, प्रावधान तो है लेकिन उसका यदि क्लियर हो जाए कि हाँ अपने उसके बाद है, हमें उसकी वेरीफाई करना पड़ेगा सर कि हाँ इसके पहले प्रेगनेंसी थी या बाद में हुई, या उसकी वो देखना पड़ेगा कि जो लगाई है ट्यूब वो तो नहीं। अगर मान लीजिए डॉक्टरों के खिलाफ कोई अगर ऐसा कोई लापरवाही का मामला सामने आता तो उन पर कार्रवाई होगी? नहीं, हाँ तो शासन की तरफ से तो है वैसे कि यदि होता है तो शासन उसके लिए मुआवजा देता है उसके लिए। सर आगे ऐसी स्थिति ना बने उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? देखिए थोड़ा सा फेलियर रेट तो बुक में भी दिया है, 0.4 तक होती है, हो जाती है, तो उसके लिए सरकार वैसे मुआवजा देता है यदि ऐसा कुछ होता है, नियम में है सर।